राजधानी जयपुर में शुरू हुए तीसरे लॉकडाउन की तय की गई गाइडलाइन और लॉकडाउन के नियमों की गफलत में नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए। बाजार का कैसा रहा माहौल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता यादविंद्र शर्मा ने। अब राज्य सरकार के लिए संजीवनी का काम करेगी और इसी के चलते राज्य सरकार ने आज यानी 4 मई से राजधानी जयपुर शहर के अंदर तमाम शराब की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए और इसी के चलते आप देखेंगे कि शराब की दुकान के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं दुकान खोलने के बाद उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। और खास बात यह है कि 6 शर्त इन दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए थे। उस आदेश के बाद यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की नीति को अपना करके यहां पर जितने भी जो ठेकेदार हैं वो यहां से लोगों को शराब यहां पर देंगे। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि डिस्टेंस वाइज करीब यहां से 2 से 3 मीटर का इन्होंने यहां पर गोला बनाया हुआ है, यानी 2 से 3 मीटर की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं जो भी ग्राहक यहाँ पर शराब लेने के लिए आएगा तो 2 से 3 मीटर की दूरी पर रहेगा। और उसी के चलते यहाँ पर शुरुआती दौर में यहाँ पर उन्होंने गोले बना दिए हैं। और खास बात यह है कि जो शराब की दुकानों को जो आदेश आया है ये 6 शर्त आदेश जारी किया और उसी के बाद से कहीं ना कहीं ठेकेदार हैं उनके अंदर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिली है। और सबसे ज़्यादा जो राहत मिलेगी वो यहाँ पर राज्य सरकार को भी मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से करोड़ों रुपए का जो यहाँ पर नुकसान था वो यहाँ पर राज्य सरकार को झेलना पड़ रहा था और जिसके चलते रेवेन्यू यहाँ पर सरकार को नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक परेशानी भी थी। मगर यहाँ पर अब जो आदेश आए हैं उसके बाद तमाम जयपुर शहर की शराब की दुकानें खुल गई हैं। मगर प्रारंभिक जो आज का पहला दिन है ये हमारी जो अधिकारी हैं यहाँ पर आबकारी आयुक्त उनसे बातचीत हुई है कि अभी तक महज 10% जो दुकानें हैं वो जयपुर शहर के अंदर खुली है, क्योंकि ज़्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई लोकेशन है, ना ही नौकरनामा है, ना ही कोई किरायनामा, जिसके चलते यहाँ पर कुछ जो ठेकेदार हैं उन्होंने दुकानें नहीं खोली है। मगर जहाँ पर भी जो दुकानें खोली है जिन्होंने जिनके पास जो बिना लोकेशन पे उन्होंने और साथ में बिना नौकरनामे के दुकानें खोली है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, ये कमिश्नर का कहना है। यहाँ पर जो आबकारी कमिश्नर है हमारे साथ यहाँ पर ठेकेदार हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, उनको किस तरह के आदेश आए हैं, उसके बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर किस तरह की यहाँ पर दुकान खोलने के बाद जो नीति अपनाई है सोशल डिस्टेंसिंग की, किस तरह का क्या रहा? हमें अच्छा फील हो रहा है, जैसे जैसे सब लोग डिस्टेंस बना के काम कर रहे हैं यहाँ पे, सब हम पालन कर रहे हैं, हमारे ग्राहकों से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी भी जान पे रही है हमें, तो इसलिए जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट बोल रही है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम सहयोग कर रहे हैं गवर्नमेंट का और पूरी पालना के साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम माल कई दुकानों में है, नए ठेकेदार को अलॉट हुए हैं अभी ठेके, तो कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा है जो बिना लोकेशन के भी खुल रहे हैं? ऐसा कोई मामला नहीं है, बिना लोकेशन की दुकान कोई नहीं खोल रहा है। आपके पास है? बिल्कुल पूरा है सब कुछ, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा जो बिना लोकेशन के खोल रहा है, सबका अपना अपना पूरा कागज कार्रवाई पूरी है सबके पास। कब से आप मतलब अभी तो तैयारी की है सोशल डिस्टेंसिंग की आपने, और कब से दुकान ओपनिंग कर देंगे? आज से ही कर दिया अब? नहीं नहीं आज से, अभी 10 बजे से अभी तक तो हमारी कागज कार्रवाई पूरी हुई है, अभी माल आएगा उसके बाद में घंटे भर बाद में बिक्री स्टार्ट होगी, अभी 2 बज रहे हैं देख लो, 2-3 बजे लगभग स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं ये वो जो ठेकेदार हैं जिनके पास यहाँ पर उनका लोकेशन है, नौकरनामा भी है और तमाम तरह के जो कागजी जो कार्रवाई है जो यहाँ पर आपका विभाग की ओर से की जाती है वो सारी कार्रवाई इन्होंने पूरी कर ली, मगर जिन्होंने यहाँ पर कागजी कार्रवाई नहीं की है उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आबकारी आयुक्त का वो डंडा चलेगा और उन पर सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर।